सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है रियलमी 2 C1 U1, रियलमी 1 और रियलमी 3 3i और रियलमी 2 प्रो में जो आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, अपकमिंग कौन सा अपडेट है, सब कुछ आपको यहां पर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल की ओर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहां पर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जो रियलमी 2 C1 U1 के जो अपकमिंग अपडेट है उसकी वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स ओपन करके बता दूं मैं, और उसके बाद चलते हैं यहां पर हम अबाउट फोन में। उसके बाद आप लोग यहां पर देख लीजिए मैं कौन सा डिवाइस यूज कर रहा हूं, रियलमी 2 प्रो डिवाइसेज मैं यहां पर गाइस यूज कर रहा हूं। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे जो अपकमिंग अपडेट है रियलमी 2 प्रो, रियलमी 2, रियलमी C1 और रियलमी U1 और रियलमी 3 3i का। और यहां पर बात करें नए अपडेट की, तो रियलमी 1 और रियलमी U1 में आपको दिसंबर महीने का अपडेट देखने को मिल चुका है। रियलमी 1 में C.46 आपको देखने को मिलता है। अगर अपडेट नहीं किया तो जाकर के कर लेना, और एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने रियलमी 1 U1 के अलग अलग से चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, जाकर के देख लेना। बात करें अपकमिंग अपडेट रियलमी 2 C1 और रियलमी 2 प्रो और रियलमी 3 3i के मोस्ट अवेटेड फीचर्स की, तो पहले बात करें रियलमी 2 और रियलमी C1 की, तो इसमें आपको एक अपडेट जो फीचर देखने को मिलेगा वो ये होगा, जैसे आपको यहां पर रियलमी लैब में जाकर के डार्क मोड अनेबल करना पड़ता था, अब यहां से इसको रिमूव कर दिया जाएगा, जो आपको डार्क मोड रियलमी लैब में यहां पर देखने को मिलता है। बट अब आपको ये फीचर जो डार्क मोड का यहां पर भी देखने को मिलेगा, सिंपली आपको एक टॉगल भी यहां पर देखने को मिल जाएगा, इसको खोलने पूरा तो यहां पर आपको एक टॉगल भी देखने को मिल जाएगा, जिसके आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो डार्क मोड है यहां से ही पावर ऑन ऑफ हो जाएगा। ये एक अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, तो नेक्स्ट फीचर्स में वो मेरे हिसाब से देखने को मिल ही जाएगा, वो होगा यहां पर अगर आप कोई भी यहां पर ब्लैंक एरिया है होम स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो सीधा आपके सामने ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। आप जैसे ही टैप करेंगे यहां पर तो आप सीधे इस वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ये रिसेंट टास्क आपको सेक्शन देखने को मिलता है। ये फीचर भी आपको रियलमी 2 और C1 में देखने को मिलेगा। उसके बाद का फीचर्स बात करें, ये फीचर्स जो है मेरे हिसाब से ये भी आ सकता है, फ्लैश ऑन कॉल का फीचर, जो आपकी फ्लैश लाइट है अगर आपको कॉल आएगी तो यहां पर ऑन हो जाएगी, ये जैसे ही आपको कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट भी यहां पर ऑन हो जाएगी। और इसके बाद जो फीचर्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो मोस्ट अवॉइडेड फीचर्स आपको देखने को मिलता है यहां पर लॉक स्क्रीन मैगजीन का। बट मेरे हिसाब से ये फीचर शायद ना आए, क्योंकि ये फीचर्स अभी तक देना होता तो रियलमी वालों ने इन डिवाइसेस में दे दिया होता, बट शायद ये फीचर जो आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का जो फीचर्स है ये देखने को मिल जाए, शायद हम अभी तक कुछ नहीं बोल सकते। बट मेरे हिसाब से ये जो फीचर्स आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का मिल भी सकता है रियलमी 2 C1 में, क्योंकि रियलमी के CEO उन्होंने ये बोला था कि आपको कलर वॉइस ऐप नहीं मिलेगा, बट जो मेजर चेंजेस होंगे UI में वो थोड़े थोड़े चेंजेस के अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो आपको डार्क यहाँ पर लॉक स्क्रीन मैगजीन का फीचर देखने को मिल सकता है। बात करें रियलमी 3 3i में, जिनमें अब तक A.24 अपडेट रन कर रहा है, उनमें भी ये फीचर जो मैंने आपको बताया डार्क मोड का टॉगल्स, फ्लैश ऑन कॉल फीचर्स और लॉक स्क्रीन मैगजीन, तो उनमें आपको पहले ही देखने को मिलता है। और ये फीचर्स आपको ब्लैंक एरिया पर टच करने का फीचर देखने को वहां पर मिल जाएगा, ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे रियलमी 3 3i में भी। बात करें एक फीचर्स की, तो अब रियलमी 2 प्रो की बात करें, इसमें आपको अपडेट देखने को मिलेगा कि नहीं, तो आपको बता दूं मैं रियलमी का 2 प्रो यहां पर यूज कर रहा हूं 100 अबाउट फोन, और फिर से चेक कर लीजिए रियलमी 2 प्रो यूज कर रहा हूं। इसमें आपको बात करें यहां पर सिस्टम जो आपको वर्जन देखने को मिलता है यहां पर, तो आप ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के यहां पर देख लीजिए आप, C.25 भी आपका यहां पर रन कर रहा है, ये देखिए, और यहां पर C.25 रन कर रहा है। बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके फीचर्स ओपन हो जाएंगे। आप देखिए नवंबर महीने का अपडेट देखने को मिलता है, डार्क मोड रियलमी लैब वोटर यहां पर ऐड कर दिया गया है, बट यहां पर आपको दिसंबर के अपडेट में जो देखने को मिलेगा डार्क टॉगल का फीचर यहां पर ऐड कर दिया जाएगा ऊपर। उसके बाद आपको जो फीचर देखने को मिलेगा फ्लैश ऑन कॉल का फीचर्स आपको 101% देखने को मिल सकता है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो ब्लैंक एरिया में टच जैसे आप होल्ड डाउन करोगे टच के ऊपर तो आपको यहां पर रिसेंट टास्क ओपन हो जाएगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, तो वो फीचर्स मेरे को लगता है इसमें आ ही सकता है, ना भी आ सकता है, वो रहा यहां पर आपके जो आपका ऑप्शन होते हैं यहां पर सेटिंग्स में, जैसे आपको रियलमी 5 प्रो में देखने को मिलता है, जैसे आपका जो चार्जिंग एनिमिनेशन है ब्लू कलर का, शायद वो यहां पर कलर आपके चार्जिंग एनिमिनेशन का चेंज हो जाए, तो अब अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये फीचर्स आ भी सकता है। और रियलमी 2 C1 U1 में आपको जो लॉक स्क्रीन मैगजीन है, मेरे हिसाब से इस अपडेट में तो शायद मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इसमें, बट
आ सकता है ये फीचर अगर रियलमी वाले चाहें तो। तो फ्रेंड्स इतनी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करना, और अगर आपको जिस भी टॉपिक की और वीडियो चाहिए जल्दी से बताइए और बता देना किस टॉपिक की और वीडियो चाहिए, मैं उसी की और वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और बात बता दूं, मैं सोच रहा हूँ रियलमी 2 प्रो में एक सेटअप लाऊं गूगल पिक्सल का, जो नई कस्टम रोम आई हुई है रियलमी 2 प्रो के लिए। बहुत अच्छा अच्छा आपको पिक्सल सेटअप देखने को मिलता है, आइकन्स आपके विजर्स ये सब कुछ चेंज हो चुके हैं इसमें, आपकी सेटिंग नोटिफिकेशन पैनल ऑल इज एवरीथिंग इज चेंज हो जाएगा। अगर वीडियो चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ऑल पे करना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।